वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बूट लोडर अनलॉक करके रेडमी 5A का। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि मैं अभी 5A यूज़ कर रहा हूँ, इसका आज बूट लोडर अनलॉक करके बताने वाला हूँ। तो आपको पीसी का ज़रूरत पड़ेगा और आपको यहाँ पे मोबाइल में कुछ करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो MIUI वर्जन, इसके ऊपर आपको जैसे कि टैप करना है जब तक आपका UR ना हुआ डेवलपर नहीं आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शंस आने के बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि एक डेवलपर ऑप्शन इसके अंदर एनेबल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो OEM अनलॉकिंग, इसको आपको अनलॉक करना है, जैसे कि आपको इसको ऑन करना है। उसके बाद जो USB डिबगिंग, इसको भी आपको ऑन करना है, ओके कर लेना है। यहाँ पे आपको मेन बात यहाँ पे है जो कि MI अनलॉक स्टेटस आपको यहाँ पे चेक करना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो दिस डिवाइस इज लॉक्ड एंड सिक्योर, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको अग्री कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, ऐड अकाउंट कर लेना है। तो यहाँ पे ऐड अकाउंट कर लेना है, प्रिपेयरिंग योर अकाउंट यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि ओके ट्राई अगेन बोल रहा है तो और एक बार कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हो प्रिपेयरिंग अकाउंट, ओके कुडंट वेरीफाई, ओके मैं इसको क्या कर लेता हूँ और एक बार ये कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो साइन इन योर अकाउंट अगेन, तो मैं एक बार इसको साइन इन कर लेता हूँ, उसके बाद और ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी जैसे कि लॉग आउट करके यहाँ पे फिर से लॉग इन कर लिया हूँ। यहाँ पे आपको जाना है फिर सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स, यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको टैप करना है जैसे कि MI अनलॉक स्टेटस, इसको आपको अग्री कर लेना है। यहाँ पे ऐड अकाउंट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि प्रिपेयरिंग अकाउंट, यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली जो है अकाउंट ऐड हो चुका है। यहाँ पे मैं गॉट इट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है जैसे कि फास्ट बूट मोड में अपने डिवाइस को रख लेना है। और एक बात का याद रखिए, जैसे कि आपका जो डिवाइस का डेटा है यहाँ पे फुल्ली इरेज हो जाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे कि आपका डेटा है अंदर तो आपको एक बार बैकअप कर लेना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो OEM अनलॉकिंग मैं कर चुका हूँ, उसके बाद जो USB डिगिंग इसको भी ऑन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं अकाउंट को ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद आपको पावर जैसे कि पावर की और वैल्यूम डाउन की दोनों को एक ही बार प्रेस एंड होल्ड करना है, इससे क्या होगा आपका जो डिवाइस है फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो डिवाइस है अभी फास्ट बूट मोड में आ चुका है, इसको मैं PC से अभी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको PC के अंदर जाके वहाँ पे भी आपको स्टेप कंटिन्यू बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो डिवाइस है अभी PC के अंदर कनेक्ट हो चुका है। और जैसे कि PC के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको फाइल डाउनलोड कर लेना है, तीनों फाइल यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि ADP सेटअप, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालकॉम ड्राइवर्स मिलेगा। उसके बाद आपको MI फ्लैश अनलॉक टूल भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे कि ADP सेटअप कर लेना है फर्स्ट, एस कर लीजिए। यहाँ पे आपको वाई प्रेस कर लेना है, ओके वाई। यहाँ पे इंस्टॉलिंग ADP ड्राइवर्स, ओके वाई। यहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेता हूँ। फिनिश हो चुका है, ऑटोमेटिकली जो है ये टैब क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालकॉम ड्राइवर्स आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रेस कर लेना है, ओके नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके इंस्टॉलिंग हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ओके स्टेटस ओके यहाँ तक आ चुका है, तो फिनिश हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो है मैं यहाँ पे MI फ्लैश टूल के यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे न्यू वर्जन मैं लेके आया हूँ। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सट्रैक्ट जो है फटाफट से हो चुका है। तो यहाँ पे ये है न्यू वर्जन, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपको MI फ्लैश अनलॉक, यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है, अग्री कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि MI अनलॉक टूल यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि ओके, यहाँ पे टाइप कर लेना है अपना मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इन विद पासवर्ड कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। यहाँ पे आपको जो है चेकिंग होगा आपका MI अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैंने जो है इसके अंदर अकाउंट का जो कि यहाँ पे ऐड किया था, तो यहाँ पे वेरीफाई होगा। अगर आपने वो ऐड नहीं किया तो यहाँ पे आपको वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अभी अनलॉक करके देख बताता हूँ आपको, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो डेटा है यहाँ पे फुल्ली इरेज हो जाएगा। तो आपको एक बार बैकअप कर लेना है अपने डिवाइस को। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो उसको आपको अनलॉक एनी वे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफाइंग डिवाइस जो कि यहाँ पे हो रहा है, तो ओके अनलॉकिंग हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको टाइम बताएगा जैसे कि 72 आवर्स के बाद आपको यहाँ पे और एक बार ट्राई कर लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं 72 आवर्स वेट कर लेता हूँ, 72 आवर्स होने के बाद जो है वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा।
और जैसे कि 72 आवर्स के बाद यहाँ पे मैं फिर से आ चुका हूँ और आपको यहाँ पे बताऊँगा जैसे कि अनलॉक करके यहाँ पे कंटिन्यू स्टेप। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फास्ट बूट मोड में रख लेना है अपने डिवाइस को। उसके लिए वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों को एक बार प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद जो है आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड में चला जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पीसी से कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मैं भी देख सकते हो जैसे कि मैं पीसी के अंदर आ चुका हूँ। आपको यहाँ पे एमआई फ्लैश जैसे कि अनलॉक इसको ओपन कर लेना है। एमआई फ्लैश अनलॉक यहाँ पे इसको अग्री कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आपको एक लॉगिन आईडी पूछेगा, इसको साइन इन विद पासवर्ड कर लीजिए। यहाँ पे साइन इन कर लीजिए और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि लॉगिन हो चुका है, जो कि अकाउंट चेक हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके बाद जो है आपका जो डेटा है यहाँ पे फुली इरेज हो जाता है। इसके लिए आपको बैकअप कर लेना है अपना जो भी इंपॉर्टेंट डेटा हो, तो यहाँ पे डेटा फुली इरेज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है डिवाइस टारगेट हो सकता है, यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है, तो यहाँ पे अनलॉक एनीवे आपको यहाँ पे कर लेना है। तो वेरीफाइंग डिवाइस यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अनलॉक होना जैसे कि अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्राई करना है आफ्टर 72 आवर्स, जो कि मैं 1 घंटे पहले ट्राई करा था तो भी नहीं हो रहा था। ये जैसे कि 72 आवर्स के बाद ही यहाँ पे जो है डिवाइस अनलॉक हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि डिवाइस जो है यहाँ पे अनलॉक सक्सेसफुली हो चुका है। तो फर्स्ट बूट लेने के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है, तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ जैसे कि बूट होने तक अपना डिवाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी जो है अनलॉक आ चुका है, जो कि आप अभी कस्टम रॉम भी यूज़ कर सकते हो और कस्टम रिकवरी भी इसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यूज़ करना चाहते हो कस्टम रॉम तो इसके अंदर आप बेशक कर सकते हो। अगर आपको रूट एक्सेस लाना है तो यहाँ पे आप बेशक वो भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जैसे कि कस्टम रिकवरी आप कैसे यूज़ कर सकते हो और TWRP आप कैसे इस फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि डिवाइस जो है अभी सक्सेसफुली जो कि यहाँ पे अनलॉक हो चुका है, जो कि इसका बूट लोडर है। आपको यहाँ पे बूट होने के बाद यहाँ पे आपको अंदर भी जाके बताऊंगा जैसे कि मेरा डिवाइस में अभी जो कि बूट लोडर भी अनलॉक हो चुका है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ जैसे कि डिवाइस बूट होने तक। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि डिवाइस जो है सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। तो आपको मैं यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ। जैसे कि आपको MIUI वर्जन के ऊपर यहाँ पे टैप कर लेना है, जैसे कि आपका यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस ना आ जाए। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि डेवलपर ऑप्शंस आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं चेक करके बता देता हूँ जैसे कि OEM अनलॉकिंग, जैसे कि बूट लोडर इज ऑलरेडी अनलॉक, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सिंपल स्टेप आप फॉलो करके जो है अपने डिवाइस का बूट लोडर आप अनलॉक कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।